हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को NMDC का जो हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉप 10 इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और ये हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 21 है। यानी कि इससे पहले ही हम इस सीरीज़ के जो मॉडल पेपर का हम NMDC के लिए लेके आ रहे हैं उसके 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब फ्रिक्शन कोई बॉडी मूव हो रहा हो, ठीक हो, कोई बॉडी मोशन में हो या कोई बॉडी मूव हो रहा हो, उस समय में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? जब वो मोशन में ना हो, को स्टैटिक हो या वो उस पोजिशन में फिक्स हो, ठीक है, उस पोजिशन में उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि टू बॉल्स ऑफ इक्वल मास एंड परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल आर लाइंग ऑन द फ्लोर, वन ऑफ द बॉल विथ वेलोसिटी वी इज मेड टू स्टक द सेकेंड बॉल, ठीक है। तो बोथ द बॉल आफ्टर इम्पैक्ट विल मूव विथ अ वेलोसिटी। यानी कि क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास में दो बॉल है, ठीक है, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो मासेस जो है वो सेम है, वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना है और वो एक फ्लोर पर मारा जाता है, तो एक समय के बाद में एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, वी बाई टू यानी कि हाफ हो जाएगी, वी बाई फोर यानी कि 1/4 हो जाएगी या 1/8 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड वेट बींग पुल्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन बाई वर्टिकल एफर्ट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉसेक थीटा। यह आपका SSC का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। SSC को सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत बार आया SSC के पेपर में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मार देते हैं? कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा साइन थीटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज, एंगल बताना है क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस क्या होगा? वो होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये यूनिट्स एक क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको यूनिट से ज़रूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने हर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपका यूनिट से ज़रूर उठा के लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। क्या बोल रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कब होगा, उस टाइम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर कुछ इस तरह रहता है, ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम कब रहेगा? जब ये एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये एकदम रटा रटा है डेफिनेशन है, इस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये इस डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये डेफिनेशन की राइट आंसर क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड ए इज अ फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द थ्री साइड, 3a/2, 23a, a/23 या 32a। तो ये इसका राइट आंसर होगा a/23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली आर 0 एंड 180, 180 एंड 0, 90 एंड 180, 90 एंड 0। तो एंगल बिटवीन टू फोर्सेज व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम किस किस में रहता है? मैक्सिमम रहता है जब ये 0 रहता है
और मिनिमम कब रहता है जब ये 180 रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन अ रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इट ऑस्किलेट्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द बॉडी इज नोन एज सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम या सेकेंड पेंडुलम। तो क्या बोल रहा है, कोई रिजिड बॉडी है, अगर उसको वर्टिकली जब उसको सस्पेंड कर देंगे यानी कि गिरा देंगे तो ऑक्सीलेट होगा एक स्मॉल एम्पलीट्यूड में, ठीक है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा उस समय बॉडी को क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि अभी हम बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। ये हमने, अगर आप PDF में तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमने PDF रेडी किया है, तो ये उसका आंसर भी अलग से लिख दिया ताकि आप फ्यूचर में अपने हिसाब से उसको रिविज़न कर सकें।